हमारे वीडियोस पूरी इंडिया में न सिर्फ बच्चे देखते हैं बल्कि उनके गार्जियंस देखते हैं, और बहुत सारे हमारे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो टीचर्स हैं और वो भी हमारे इस चैनल को फॉलो करते हैं ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि अगर एक ही बोर्ड में अलग अलग नियम लागू हों और आप उसके विक्टिम हों तो आपको कैसा लगेगा? बच्चों के साथ में इस बार यही हुआ है, बोर्ड तो एक ही है, अलग अलग नियम हुआ, अलग अलग नियमों की वजह से बच्चे परेशान हुए, कहीं बच्चों को फेल कर दिया गया, कहीं एडमिशन लेने में दिक्कत की जा रही है, साथ ही में बच्चों पास क्राइटेरिया भी अलग अलग हो गया। और आपको भी पता होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने हमसे डायरेक्ट बात की है व्हाट्सएप पे या हमसे फ़ोन पे बात हुई, और आप में से भी बहुत सारे लोग परेशान हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आप कहां से हैं और आपके साथ कौन सी प्रॉब्लम आई। हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि नया सिलेबस क्यों नहीं आया है और कब तक आ सकता है, साथ ही में अगर सिलेबस जब तक नहीं आता है तब तक आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए अगर आप अगली क्लास में प्रमोट हो गए हैं तो। तो बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल पर अब 82,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और ऐसा आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल है। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा आपका सानिध्य पा करके। तो ये बात कर लेते हैं कि एक ही बोर्ड में अलग अलग नियम क्यों लागू हुए। बात हम करेंगे CBSE की। तो CBSE में आपको पता ही होगा कि CBSE में क्लास 9th से लेकर के और 12th तक का सिलेबस CBSE जारी करती है, 9th का और 11th का रजिस्ट्रेशन करवाती है, 10th और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम करवाती है। और इसलिए कहीं ना कहीं सभी लोगों को अपेक्षा होती है कि 9th से लेकर के 12th तक के जो नियम हैं वो CBSE डिसाइड करेगी। इसके अलावा जो क्लास फर्स्ट है, फर्स्ट से लेकर के 8th तक के जो नियम हैं वो पूरी इंडिया में समान हैं और वो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत आता है, मतलब शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चों के रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं, सभी लोग कमोबेश उसी को फॉलो करते हैं। अब देखो, जो एक ही बोर्ड है, अलग अलग नियम हैं, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। एडमिशन के रूल्स अलग अलग स्कूलों ने अलग अलग बना रखा है। अभी जैसे 10th का रिजल्ट आएगा, ये लोग कहेंगे कि भाई 11th में अगर आपको एडमिशन लेना है, मैथ्स लेना है, बायो लेना है, कॉमर्स लेना है, तो कम से कम इतना परसेंट आपका होना चाहिए। ये अलग अलग स्कूलों में अलग अलग होता है। 9th में बच्चे जाते हैं एडमिशन लेने, 8th पास करके उनसे कहा जाता है इतना परसेंट से कम आया आपका एंट्रेंस में, हम एडमिशन नहीं लेंगे, इतना परसेंट से कम है, आप मेरिट में नहीं आ रहे हो, आपका एडमिशन नहीं होगा। हर स्कूल ने अपना अलग अलग क्राइटेरिया बना रखा है। इसके अलावा बच्चों, यही सब नहीं है, इन सब में जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी बिग प्रॉब्लम है, वो है अलग अलग पास क्राइटेरिया का होना। वैसे तो CBSE 9th में वही पास क्राइटेरिया फॉलो होता है नॉर्मली स्कूलों में, जो क्लास 10th के लिए CBSE ने बना रखा है। क्लास 11th में वो फॉलो होता है जो 12th में बना रखा है। अब बात ये करते हैं कि 9th में या 11th में इस बार बहुत सारे स्कूलों में बच्चों को फेल किया गया। डियर लर्नर्स, CBSE क्लास 10th और क्लास 12th के टर्म 2 का एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए एक गुड न्यूज़ है। अन एकेडमी आपके इस फाइनल प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए, इस तैयारी को और अच्छा करने के लिए लेकर के आया है इमर्ज मॉक टेस्ट सीरीज़, जो कि बिल्कुल फ्री है और आप लोगों के फाइनल टर्म एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को बूस्ट करने में आप लोगों की हेल्प कर देगा। तो अगर आप भी CBSE के टर्म 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में ज़रूर इनरोल करें और पाएं चांस 100% स्कॉलरशिप जीतने का। इसके अलावा अपनी फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को असेस करने का, उसे बूस्ट करने का, इसके अलावा कंप्लीट टर्म 2 रिवीजन टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही में क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी किया जाएगा। तो अपने फाइनल एग्ज़ाम्स में सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए 16 से 19 अप्रैल तक ये इमर्ज मॉक टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें, जिसमें आपको इनरोल करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अभी जाएं और इनरोल करें, यूज़ करें हमारा कोड GEA और किसी भी सब्सक्रिप्शन पर पाएँ 10% ऑफ। तो बच्चों, अन एकेडमी के साथ लेट्स क्रैक इट। और क्राइटेरिया अलग अलग था भाई, सिंपल सी क्राइटेरिया है कि 9th में अगर ओवरऑल 33% बच्चे का मिला है इंटरनल और थ्योरी मिला करके, तो उसे पास आपको करना ही करना है। ऐसे क्लास 11th में जो CBSE का नियम है, क्लास 12th के बोर्ड के बच्चों के लिए वो ये है कि थ्योरी
थ्योरी का जो एग्ज़ाम होगा और प्रैक्टिकल, इन दोनों में 33% अलग अलग से इनको बच्चों को चाहिए पास होने के लिए, लेकिन बहुत सारे जगहों पर इसे फॉलो नहीं किया गया। हम आपको बता दें कि जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल जितने हैं या वहाँ पे जो भी CBSE से एफिलेटेड स्कूल्स हैं स्टेट बोर्ड के, उन सभी लोगों ने क्या किया कि 15 मार्क्स का उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया। हर एक क्लास में 15 मार्क्स बच्चों को मिले, अगर एक सब्जेक्ट में फेल हैं, दो सब्जेक्ट में फेल हैं, ओवरऑल 15 मार्क्स दे करके बच्चों को पास कर दिया गया। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर एक भी नंबर नहीं दिया गया ग्रेस मार्क्स के रूप में। बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां पर बच्चों 33% से ज़्यादा आए बच्चों के मार्क्स, फिर भी उनसे कहा गया कि आप टर्म टू में फेल हो या टर्म वन में फेल हो या टर्म वन और टर्म टू दोनों में पास नहीं हो, इसलिए हम आपको पास ही नहीं करेंगे। उनको सप्लीमेंट्री दे दिया, उनको कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे दिया गया। केंद्रीय विद्यालय में अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका एग्ज़ाम हो रहा है और बच्चे हमें मैसेज करके बताते हैं कि सर हमारा इतना नंबर आया और हमें बता दिया गया कि आप फिर से फेल हो गए। अब देखो ये बड़ी प्रॉब्लम है अगर CBSE के ही रूल्स को आप लोग नहीं मानेंगे, जो 33% का क्राइटेरिया है उसे फॉलो नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? ये भी तो अपने ही बच्चे हैं, किसी वजह से थोड़े से कमज़ोर रह गए हैं, प्रॉब्लम थी, कोरोना था, पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई, ऑनलाइन पढ़ाई कैसी होती है सभी लोगों को पता है, तो इस चीज़ को कंसीडर किया जाना चाहिए था। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम ये भी चल रही है कि नया सिलेबस नहीं आ रहा। जो बच्चे पास करके निकल गए, क्लास 8th पास करके 9th में गए, 9th पास करके 10th में गए, 11th पास करके 12th में गए, अब 10th वालों का तो खैर अभी रिजल्ट ही नहीं आया तो उनकी पढ़ाई नहीं शुरू हुई होगी, लेकिन 9th, 10th, 11th, 12th में बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, अभी 11th की क्लासेस नहीं चल रही हैं, बाकी तो क्लासेस चल ही रही हैं, इनका सिलेबस क्यों नहीं आया? CBSE इस पर कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। अभी देखो बच्चों, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि सबसे पहले तो CBSE खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रही कि क्या होगा। शुरुआत में कहा गया कि 2 टर्म में परीक्षाएं होंगी, पेपर में निकला था, आप लोगों ने देखा होगा, यही CBSE के सूत्र ऐसे थे जिन्होंने साफ साफ कहा कि टर्म 2 और 1 दोनों चलेगा। तो शुरू में आपने पेपर में देखा ही होगा, अभी लगभग 1 महीने पहले की बात है, उसमें आया था कि टर्म 1 और टर्म 2 एग्ज़ाम दोनों होंगे, अगले साल भी कंटिन्यू रहेंगे, और 1 महीने के अंदर इनका आ गया बयान कि नहीं भाई, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों नहीं रहेंगे, हम अलग अलग एग्ज़ाम नहीं करवा सकते, अब हम एक ही एग्ज़ाम करवाएंगे। तो CBSE तो खुद ही अपने बात पे अटल नहीं है, तो भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक देखिए कितनी बार निर्णय चेंज होता है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि अभी जो कुछ भी नए सिलेबस पर सस्पेंस कायम है उसको ऐसे कायम रहने दीजिए, आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है, बस आपको ये करना है कि जो लास्ट ईयर वाला सिलेबस था उसे पढ़ते रहिए, कम से कम जो डिलीटेड सिलेबस है उसमें और कुछ तो डिलीट नहीं होना है, जो बचा हुआ सिलेबस है वो तो आएगा ही आएगा। अगर इन केस आगे चल करके पूरा सिलेबस आता है तो आप बाद में जो बचा हुआ होगा पढ़ लीजिएगा। वैसे उम्मीद ये है कि जो 30% रिड्यूस्ड सिलेबस था वही आएगा, मतलब ये 30% जो डिलीट हो गया था ये नहीं आएगा, जो बचा हुआ 70% है वही आएगा। एग्ज़ाम भले ही एक ही टर्म में हो, मतलब जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है मार्च अप्रैल में हो या 2 टर्म में हो, 2 टर्म में होने की संभावना लगभग ना के बराबर अब है, तो मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होना है, तो उस हिसाब से जो भी तैयारी आपकी है आप अब करते रहिए। हमने एक वीडियो बना करके बताया था कि आपको ये नया वाला सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, आपको CBSE एकेडमी की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से आपको ये वेबसाइट पे सिलेबस आपको मिल जाएगा और वहीं से डाउनलोड कर लीजिए। तो जब तक आपका नया सिलेबस नहीं आ जाता है, जो पुराना सिलेबस था उसे पढ़िए, क्योंकि उसमें अब कुछ कम नहीं होना है, बढ़ ही सकता है, बढ़ने की संभावना हालांकि नहीं है, लेकिन जो बचा हुआ सिलेबस है 70% उसे पढ़िए, और अगर आप टीचर हैं तो उसी को पढ़ाइए। टर्म 1 और टर्म 2 में अब स्प्लिट एग्ज़ाम नहीं होंगे, ये लगभग कन्फर्म हो गया है, तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, CBSE के चक्कर में बैठे रहेंगे 1-2 महीना बर्बाद हो जाएगा आपका, अच्छा खासा टाइम चला जाएगा, तो अपनी पढ़ाई कीजिए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक बार फिर से 82,000 सब्सक्राइबर्स पूरा करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।